इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांचवा क्रिकेट टेस्ट रद्द। कोरोना के कहर के कारण टीम इंडिया ने छोड़ा मैच। अब बाद में खेला जा सकता है तीसरा टेस्ट। कल टीम इंडिया के असिस्टेंट फिजियो कोरोना की चपेट में आए थे। कोरोना और फैलने के डर से टीम ने मैच नहीं खेलने का फैसला किया। इंग्लैंड बोर्ड के टीम इंडिया के मैच फोफीट करने का अपना बयान लिया वापस। बीसीसीआई के विरोध के बाद बयान बदला। आतंकवादियों ने श्रीनगर के चनापोरा इलाके में तैनात सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड, एक जवान घायल। बीजेपी ने ममता के खिलाफ भवानीपुर सीट से प्रियंका टिपरेवाल को उतारा। बाबुल सुप्रियो की कानूनी सलाहकार रह चुकी हैं प्रियंका। प्रियंका ने कहा, मेरा नाम बंगाल के लोगों के दिलों पर लिखा जा चुका है, इसलिए पार्टी ने मुझे उतारा। सोशल मीडिया पर मैं ममता से ज्यादा लोकप्रिय। ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन भरा। 30 सितंबर को होगा चुनाव। बीजेपी ने बंगाल उपचुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं, राजनीति से संन्यास का ऐलान करने वाले बाबुल सुप्रियो का नाम शामिल। भवानीपुर से ममता को घेरने के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति। बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह को बनाया गया ऑब्जर्वर। सौमित्र खान और ज्योतिर्मय सिंह बने को ऑब्जर्वर। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्ति में डूबे राहुल गांधी। जम्मू की रैली में लगाए जय माता दी के जयकारे। कार्यकर्ताओं को भी जय माता दी बोलने को कहा। जम्मू में राहुल ने कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। बीजेपी आरएसएस पर हमला। कहा, बीजेपी आरएसएस भाईचारे को तोड़ने की कर रही है कोशिश। राहुल गांधी ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह दिखाकर बीजेपी पर साधा निशाना। हाथ चिन्ह का मतलब सत्य बोलने से डरो मत बताया। बोले, बीजेपी डर रही है, बीजेपी सच्चाई से डरती है। राहुल ने कहा, कश्मीरी पंडितों की डेलीगेशन से बीजेपी ने झूठा वादा किया। मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडितों की मदद करके दिखाऊंगा। मायावती के साथ छोड़ने के बाद एआईएमआईएम ने मुख्तार अंसारी की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ। एआईएमआईएम प्रवक्ता आसिम वकार बोले, मुख्तार अंसारी को टिकट देने को तैयार है पार्टी, मुख्तार को लपकने को तैयार एआईएमआईएम। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाहुबली मुख्तार अंसारी से किया किनारा। मऊ सीट से मुख्तार की जगह भीम राजभर को टिकट देने का किया ऐलान। मायावती ने कहा, बीएसपी यूपी चुनाव में किसी बाहुबली और माफिया को नहीं देगी टिकट। सरकार बनने पर ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने में नहीं होगी दिक्कत। तालिबान ने पंजशीर में अमरुल्ला सालेह के बड़े भाई को मौत के घाट उतारा, सूत्रों के हवाले से खबर। 9/11 की 20वीं बरसी पर अफगानिस्तान में कल तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण। 20 साल पहले कल ही के दिन अमेरिका ने ट्विन टावर पर हमला किया। तालिबान सरकार के पीएम अखुंद कल कंधार में लेंगे शपथ। कैबिनेट के बाकी सदस्यों को काबुल में दिलाई जाएगी शपथ। दिल्ली में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, अफगानी लोगों ने पोस्टर बैनर के साथ जताया विरोध, महिलाएं और बच्चे शामिल। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे के बाद पहले इंटरनेशनल फ्लाइट। अमरीकियों समेत करीब 200 विदेशी पहुंचे कतर। इस महीने के अंत में पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की तैयारी जारी। 24 सितंबर को वॉशिंगटन में क्वाड सम्मेलन में नेताओं की आमने सामने बैठक होने की उम्मीद। पीएम मोदी 22 सितंबर को रवाना हो सकते हैं अमेरिका। 23 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से पहले मुलाकात की उम्मीद। अगर दौरे पर मोहर लगी तो क्वाड समिट के बाद न्यूयॉर्क रवाना होंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में देंगे भाषण। 11 सितंबर को पीएम मोदी अहमदाबाद के सरदार धाम भवन का करेंगे लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भी भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ता लोगों को वैक्सीन लगवाने में करेंगे मदद। पीएम के बर्थडे पर ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराने का बीजेपी का लक्ष्य। मिशन उत्तर प्रदेश फतेह के लिए बीजेपी ने कसी कमर। बीजेपी के बूथ विजय अभियान का कल होगा आगाज। शाम 4 बजे जेपी नड्डा 27,700 शक्ति केंद्रों पर मौजूद पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत। हर जिले में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर लगेगी प्रदर्शनी। स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर लगेंगे और गरीबों को फ्री राशन किट दी जाएगी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, महिलाओं को लेकर संघ और तालिबान की सोच एक जैसी। झूठ और गलत फहमियां फैलाकर दो समुदायों को बांटने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का दिग्विजय पर हमला। कहा, विरोध करने की जल्दबाजी में दिग्विजय मर्यादाओं का करते हैं उल्लंघन। दिग्विजय सिंह के आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर भड़की बीजेपी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, खुद दिग्विजय की सोच तालिबानी। भोपाल में पिछड़ों को 27% आरक्षण दिलाने पर सियासत तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शुरू की आभार यात्रा। 15 जिलों से गुजरेगी यात्रा। बीजेपी सरकार की खोलेगी पोल। कमलनाथ का शिवराज सिंह चौहान पर हमला। कहा, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 है मध्य प्रदेश।
कहा 28 साल से कहते रहे ओबीसी का रक्षक हूं और आज तक ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। रामविलास पासवान की बर्सी में शामिल होंगे पशुपति पारस, कहा मैं पासवान का कर्जदार, चिराग न्योता नहीं देते तो भी जाता। बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने संजय निषाद पर साधा निशाना, कहा संजय निषाद पार्टी नहीं दुकान चला रहे हैं, चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों को करते हैं ब्लैकमेल। हरियाणा के करनाल में 4 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल, मोबाइल सेवा बल्क एसएमएस सेवा भी शुरू की गई। चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों का महामंथन जारी, अपनी बैठक के बाद सबसे पहले अकाली दल के साथ की मुलाकात। अकाली दल के बाद किसान नेताओं की कांग्रेस के साथ बैठक, बैठक के लिए पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू और प्रगट सिंह। जम्मू कश्मीर के पूर्व एमएलसी त्रिलोचन सिंह वजीर की मौत के केस का क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया, कल दिल्ली के एक फ्लैट में संदिग्ध हालत में मिला था त्रिलोचन का शव। राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाला आरोपी भरत गोदारा हिरासत में, हनी ट्रैप का शिकार हुआ भरत, सूत्रों के हवाले से खबर। कोरोना काल में महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की शुरुआत से उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर परिवार के साथ की गणपति की पूजा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने अपने घर पर की गणपति की पूजा, पूजा के बाद कहा सरकार ने मंत्रालय खोला, मंदिर क्यों बंद। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर भी पधारे गणपति, राणे ने पूरे विधि विधान से की गणपति की स्थापना। गणपति की प्रतिमा को अपनी पत्नी के साथ खुद घर लाए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, लोगों से नियमों का पालन कर गणेश उत्सव मनाने की अपील की। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अपने पूर्वजों के घर पर की गणपति पूजा, सीएम ने कोरोना मुक्त देश होने की कामना की। कोरोना की बंदिशों के बीच मुंबई में गणेश चतुर्थी की शुरुआत, गणेश गली में मुंबई चौराजा की आरती, केवल आयोजन समिति से जुड़े लोग हुए मौजूद। नागपुर में गणेश चतुर्थी के पहले दिन उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, गणेश टेकरी मंदिर के बाहर भारी भीड़, मंदिर के गेट बंद, केवल पुजारियों की मौजूदगी में हुई नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में भगवान गणेश की आरती, किसी श्रद्धालुओं को नहीं मिली एंट्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में शाम 7 बजे मंत्रियों के साथ गणेश पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल, लोगों से टीवी पर भव्य कार्यक्रम देखने की अपील की। ओडिशा में नेशनल हाईवे 49 पर खारड़ा नदी पर बना पुराना लोहे का पुल गिरा, हादसे में ट्रक चालक घायल, पुल बहाली का काम जारी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।